गाइस अनिकेत जांगिड की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमको किस स्पीड में कौन सा गियर गाड़ी में लगाना चाहिए। दो सिचुएशन बताऊंगा, एक जब आपको अपनी गाड़ी से बेस्ट माइलेज चाहिए और दूसरा जो आपको अपनी गाड़ी से बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। तो इन दोनों में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको किस गियर में गाड़ी किस स्पीड में रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए चलते हैं। पहले एक बार ठीक से रोड चलते हैं, यहाँ पे तो भगाई नहीं जाएगी गाड़ी। तो गाइस चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये देखिए, जैसे अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है और मैं यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा के चल रहा हूँ। देखिए मैं फर्स्ट गियर लगा के चल रहा हूँ और अभी देखिए मैंने एक्सीलेटर पे गाड़ी अपने आप चल रही है। और यानी कि फर्स्ट गियर में जो मिनिमम स्पीड है हमारी वो है क्लच रिलीज करने के बाद बिना एक्सीलेटर के, वो है 10 की। बिल्कुल देखिए आप, एग्जैक्ट बिल्कुल 10 की स्पीड है भाई हमारी गाड़ी की है। और यानी कि इस स्पीड पे हमारी गाड़ी के आरपीएम जो होते हैं वो तकरीबन 1000 के करीब होते हैं। अगर पेट्रोल गाड़ी है जैसे हमारी तो तकरीबन 1000 के करीब आरपीएम होते हैं। और अगर मैं एक्सीलेट करूँगा 10 से 20 पे हमारी आरपीएम डबल हो जाएंगे। यानी कि जैसे भी मैं अब मेरी आरपीएम 2000 हो गए, तो ये होता है यानी कि फर्स्ट गियर में आरपीएम ज़्यादा होंगे और स्पीड कम होगी। तो जैसे अभी 10 है, 10 की स्पीड है, तो 10 से 20 के बीच में आपको सेकंड गियर लगा लेना है। अगर आपको बेस्ट, पहले मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा। तो ये देखिए, ये मैंने सेकंड गियर लगा लिया 10 से 20 के बीच की स्पीड में। और ये देखिए अभी हमारी स्पीड, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ये मैंने क्लच रिलीज कर रखा है अभी और एक्सीलेटर से पैर हटा रखा है और ये तकरीबन 15 की स्पीड पर गाड़ी अपने आप चल रही है सेकेंड गियर में। आप देख सकते हैं सीबी ऑन हमारा, तो ये 15 की स्पीड मेंटेन करके चल रही है सेकंड गियर में अपने आप बिना एक्सीलेटर के। तो यानी कि आपको तकरीबन, यानी कि आपको तकरीबन 20 से ज़्यादा पे आपको गियर चेंज करना है थर्ड गियर में। जैसे अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं एक्सीलेट कर रहा हूँ गाड़ी को, ये हमारी स्पीड गई 20 से ऊपर गई। अब मैंने क्लच दबा के थर्ड गियर लगा लिया। ये देखिए अभी गाड़ी 25 की स्पीड पे चल रही है अपने आप, मैंने कोई एक्सीलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई रेस नहीं दे रहा हूँ गाड़ी को और ये 25 की स्पीड अपना मेंटेन कर रही है। यानी कि इस स्पीड पे आपकी गाड़ी का आरपीएम तकरीबन 1000 के करीब है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अभी मेरी गाड़ी की 25 मेंटेन करके चल रही थी, तो अगर मेरे को बेस्ट माइलेज चाहिए तो मैं तकरीबन 30 तक गाड़ी की स्पीड पहुँचाऊँगा थर्ड गियर में 30 तक, और उसके बाद ये फोर्थ गियर लगा दूँगा 30 के बाद में। और देखिए ऐसा नहीं है कि गाड़ी में कोई हमको लैग लग रहा हो, अगर नॉर्मल यूजेज के हिसाब से दिखाई जाए तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 30 से ऊपर आप फोर्थ गियर लगा सकते हैं। ये देखिए अभी मैं एक्सीलेटर से पैर हटा लेता हूँ एक बार, आप देखना, और हमारी गाड़ी 30 की स्पीड मेंटेन करके चल रही है अपने आप बिना रेस दिए। तो यानी कि 35-40 से ऊपर आप फिफ्थ गियर लगा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक मिनट, ये हम गए 40 की स्पीड पे, 40 को टच किया और ये मैंने फिफ्थ गियर लगा लिया और ये मैंने क्लच रिलीज कर दिया। अब ये 40 की स्पीड मेंटेन कर रहा है अपने आप बिना रेस्ट दिए। तो अब मैं अगर रेस्ट दूँगा तो ये स्पीड बढ़ेगी इसकी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इंजन के आरपीएम पता लग जाते हैं रियल टाइम में। तो जैसे इसमें तो हमारी गाड़ी में वो नहीं है टैकोमीटर, तो मैं आपको स्पीड के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में टैकोमीटर है तो आप तकरीबन 2000 के करीब, तो आप तकरीबन 2000 के आरपीएम के करीब अपनी गियर चेंज कर देना चाहिए आपको। ये देखिए जैसे अभी इंजन लैग कर रहा था थोड़ा, मतलब सही नहीं चला, तो मैंने थर्ड गियर में गाड़ी लगा ली और देखिए स्मूथ चल रहा है। और ये देखिए अभी स्मूथ हो गया, ये देखिए वहाँ तो मैं कह रहा था कि अगर आपकी गाड़ी में टैकोमीटर है तो आपको तकरीबन
हज़ार आरपीएम पे गियर चेंज करने हैं, उससे आपको माइलेज भी अच्छी मिलेगी और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहेगी, कोई आपको ऐसा इशू नहीं आएगा। और चलिए ये तो बात हुई अगर आपको अपनी गाड़ी से माइलेज निकालना है, और अगर आपको एकदम गाड़ी को खींच के चलना है तो मैं आपको एक बार उसका भी तरीका बता देता हूँ कैसे आपको गाड़ी को खींचना है, यानी कि अगर आपको अपनी गाड़ी का पिकअप उठाना है तो आपको कैसे क्या करना है। तो चलिए मैं आपको एक बार बोल के बताता हूँ, गाड़ी को रोकें, तो चलिए पहले एक बार न्यूट्रल लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। और आज जैसे आप अभी देखें हम यहाँ पे रोड पे न्यूट्रल ले रहे हैं, और अगर आपको वीडियो चाहिए कि सिंगल लेन रोड पे कैसे यू टर्न लें, यानी कि जैसे कि अभी सिंगल लेन रोड है और इस पे मैं यू टर्न ले रहा हूँ, और अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे को, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, और अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं अगली वीडियो यही होगी यू टर्न की। मैंने यू टर्न ले लिया। हाँ तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे गाड़ी को चलाना है अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए अपनी गाड़ी की। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पे गाड़ी को रोक लेता हूँ ये मोड़ क्रॉस करके, चलिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये हमारी गाड़ी अभी आइडल कंडीशन में, और मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको। ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट गियर लगाया, ये डाउन किया क्लच, मैं नॉर्मली चला जैसे चलता हूँ, और अब मैं गाड़ी को खींचूंगा। ये देखिए मैं फर्स्ट गियर में 40 की स्पीड तक पहुँच गया, अब मैं यानी कि आरपीएम को नहीं देखूंगा, मैं गाड़ी को खींचूंगा। खींचना मतलब जब हमारी इंजन की, यानी कि मैं पूरा पंजा दबा दिया, पूरा पंजा अगर आपको गाड़ी खींचनी है तो देखिए मैंने पूरा पंजा दबा रखा है, और सेकंड गियर में हमारी गाड़ी ऐसी टच कर चुकी है ये थर्ड गियर। तो ये होता है गाड़ी को खींचने का तरीका, इसमें आपको गाड़ी से माइलेज कुछ नहीं मिलती, यानी कि आप माइलेज मत एक्सेप्ट करना अगर आप ऐसी गाड़ी चलाते हो। तो देखिए हम तीसरे गियर में हैं और ये स्टार्ट की हमारी स्पीड है, मैंने फोर्थ में लगा लिया वैसे ही। तो यानी कि आपको फुल पंजा दबा देना है, और जब आपकी स्पीड यानी कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा पहुँच जाए कम छोटे गियर में, तब आपको गियर चेंज करना है। जैसे सेकंड गियर में नॉर्मली 20 के करीब चलाते हैं और हमने पहुँचा दी 80 सेकंड गियर में, तो तब जाके हमने गियर चेंज किया। और जब पूरा पंजा दब जाता है उसके बाद उस गियर में गाड़ी इंजन लैग मार जाता है, यानी कि जैसे मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने गाड़ी का स्पीड टेस्ट किया था, एक बटन में आपको लिंक मिलेगा उसका, तो देख सकते हैं उसको, उसमें मैंने वैगनर का स्पीड टेस्ट किया था। ये देखिए इसको कहते हैं कट हैवी ड्राइवर। तो चलिए ऐसे ही आप अपनी गाड़ी को खींचते हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको बताया कि गाड़ी को कैसे चलाते हैं अगर आपको बेस्ट माइलेज चाहिए होती है, और अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए होती है तो कैसे गाड़ी को चलाते हैं। बेस्ट माइलेज चलिए आपको तकरीबन 2000 आरपीएम के करीब अपने गियर चेंज करने हैं, और अगर आपको गाड़ी को खींचना है तो आपको फुल थ्रॉटल देना है, और जब आपका इंजन ब्रेक मारने वाला हो उससे पहले आपको गियर चेंज करने हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड गियर में 80 से ऊपर जाने के बाद इंजन हमारी गाड़ी में लैग मार जाता है, यानी कि वो फिर पिकअप नहीं देता, यानी कि कंटिन्यूस स्पीड हो जाती है और पावर बीच में रुक रुक से आती है, यानी कि उसको बोलते हैं लैग मारना। तो अगर आपका इंजन ऐसे करने लगे तो आपको उससे पहले गियर चेंज कर देना है अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए अपने इंजन से। तो वैसे भी एसी ऑन था लेकिन फिर भी वैगन आर का परफॉर्मेंस बहुत सही है, हमको बहुत अच्छा लगा। वैसे हम दोस्तों डेली चलाते हैं और हमको इसका पता भी है कैसी है कैसी नहीं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक नहीं किया जंगिड के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रखा है जाके सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी ड्राइविंग से रिलेटेड और रिव्यूज से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको वीडियो से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।